बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयदा प्रवाह वेखनाले सारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग कहते हैं डंग औखे से सौखड़े लंघ जाते ते गल्ला याद सजना दियां रहिंदियां। जदों मौत होनी पान फेरा लगियां हत्थां ते रहिंदियां महिंदियां ने। जिथे जिंदगी है उथे मौत है। बच्चे मेरे बच्चे बच्चिया सोचते हो गए बाबा मरना सब उस पाए पाता वो डराई जाता मौत तो डराई जाता मौत तो डराई जाता। असल गल बचे हुए नहीं, असल गल है कि गलती जेडे मान लेंगे ने गलती दसने शुक्रिया अदा करते हैं वो ही कामयाब होंगे। सब तो वड्डी निशानी है इन्हों की कामयाबी। जे तुम बर्दाश्त करना हौसला कर लो किसी को अपने तो छोटा ना समझो। जे तुहानू ये लगे कि मेरी जिंदगी च बड़िया मुश्किल मैंने सिर्फ जिंदगी नाकामिया मिलियां इस अलावा कुछ नहीं मिलेगा वो की कर अपने आप को इन्ना ताकतवर बनाओ कि कोई मुश्किल ताड़े के खलो ही ना सके। तुहानू सिर्फ अपने आप को बदलना ये सोचो गौर करो कि बदलना है। मैं इंशाला अगले भी लोग इदा भी दस दें। अज का साडा मौजू है फालसा अल्लाह की जात का अनमोल तोहफा ताड़े पास। गर्मियों का मौसम यह है अल्लाह की जात ने हर चीज़ मौसम के हिसाब न बनाई और इंसान ने तबीयतों के हिसाब न बनाई। असी काम करा असी नहीं समझ सकते साड़ी समझ तो बाहर निकलना असी मामूली या फल समझने की कदर नहीं करते। अजकल पता ही की रवाज है अजकल रवाज है बेमौसम फल लगने सस्ते फल की सू पता नहीं बेमौसम फल लगने। ये फालसा जोड़ा ना ये थोड़े दिन वास्ते होंगे बहुत दिन वास्ते नहीं होंगे महीने भी दिन वास्ते इन तीन शब्द बना के पी सकते इनकी चटनी बना के खा सकते। जेडे बच्चे कहते हैं बच्चिया सा पेट बद गए वो पिछा नहीं आ रहे उन्होंने मैं अगे मैं पिछले भी लोग किया जो दस मल्टीग्रेन आटे का समझाया भी ऐसा बना लो अज तुम दस लगा एक मोटर पूद लवो इतना फालसे का दो हरिया मिर्चा नहीं पाओ काली मिर्च पाओ नमक पाओ थोड़ी भावे लाल मिर्ची पा लो उन्होंने ग्रहण कर लो चंगा रल के चटनी बना लो। एक रोटी वो मल्टीग्रेन आटे की जो ना बन सके तो को खाली जवान के आटे की एक रोटी सवेरे से पै शाम और वेखो तो कि तेज ना बदल सा सही होता कि तेज ना पेट की चर्बी खत्म होती और तुम एक बहुत वही गल दस लगा हो सकता डॉक्टर तुम दस दिन का ना दस दिया जोड़ा बंदा ये खाता है ना फालसा फालसे दड़ा फालसा के पत्ते फालसे का छिलका वो जिन्होंने गिटे गोडे जोड़ पीर करते हैं वो छिलके का कावा पीर नाल जड़ा मिला नाल पत्ते मिला सवेरे शाम कावा पीर नाल फालसा कर और दिनों के बच्च सोजी खत्म हो जाएगी दर्दा ठीक हो जाएगा मेदा सही हो जाएगा। जिन्हों के जिगर की गर्मी है जिन्हों के मेदे का मसला है उन्हें कुछ नहीं करना खाली फालसा खान गर्मियों दस दिन बीस दिन महीना खान फालसे का शरबत पी फालसे की चटनी खान मेदा भी सही हो जाएगा जिगर भी सही हो जाएगा और अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला आंतड़ियाँ तक सही हो जाएगा। और मजे वाली गल दसा ये शुगर के मरीज भी खा सकते शुगर के लबलबे जरा पुरजा इंसुलिन उनकी भी सोजिश खत्म करता है तेरा शुगर लैवल भी सही होगा तजर्बा कर लो जमा के वेख लो तर मापे पता लग जाएगा। और एंड से तुम एक खास खास चीज दस लगा जेडे मेरे बच्चिया बच्चों उन्होंने वालदेन बजुर्ग न किसी ने काले मोती का मसला या जेडे खानदान नजर की कमजोरी का मसला वो फालसा खान केंद्र जड़ा छिड़के का कावा पीन और अल्लाह के हुक्म काला मोती नजदीक नहीं है। काला मोती एक ऐसी नाम मरद खान और खत्म कर देती अपने पुत्र हिफाज करो मेरे बच्चे हो बच्ची हो अपने हिफाज करो। जिंदगी बड़ी कीमती इंसान अपनी हिफाज आप कर
ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਬੇ ਮੌਸਮ ਫਲ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਓ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਕਾ ਰਸ ਭਰਿਆ ਉਹ ਖਾਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਲਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜੋ, ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਖਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਆਫਤ ਅਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਮੌਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਟਲ ਮਯੂਸੀ ਗਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਯੂਸ ਨਾ ਹੋ। ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ, ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਖੁਦ ਖੁਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਚਿੜੀਆ ਕਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਘੌਂਸਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਘੌਂਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਜਾ ਦਿੰਦੀ। ਆਲੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਆਲੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਰਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਬਸ ਹੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦਿਵਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅਸਲ